हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज रमेश महाला और आज हम आए हैं रमन साइंस सेंटर नागपुर में. यहाँ पर आज हम आपको दिखाने वाले हैं बहुत सी साइंस से जुड़ी चीज़ें और बहुत सारे इन्वेंशन. और जो बीच में जो लेयर बन रही है इसे कहते हैं वाटर वोर्टेक्स. इसका नाम है स्पिनिंग जेनी. जितने भी व्हीकल चल रही है डीजल व्हीकल वो इन्हीं के वजह से चल रही है. जैसे हमें प्रेस करेंगे बटन साइक्लोन जनरेट होगा. यहाँ पर देखिए आप वेव्स निकल रही है नीचे से. वेव्स निकल रही है अंदर कैसा क्या है. जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, अभी हम आए रमन साइंस सेंटर में, फन साइंस में. अंदर बहुत से मनोरंजन की चीज़ें हैं जो कि अभी आप देखने वाले हैं, तो चलिए हमारे साथ. और ये आप देख रहे हैं, ये है जंपिंग डिस्क. जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखो जंप करती हुई. हाँ, उसके बाद में ये है तुसी मोशन. देखिए इसके अंदर आप देख रहे हैं ये मोशन हो रहा है था और घूम रहा है वो, देख रहे हैं आप ऐसा घूम रहा है पूरा. उसके बाद में है ब्रीदिंग स्क्वायर. ये देख कैसा होता है, इसका नाम है ब्रीदिंग स्क्वायर. और ये है मैजिकल डायमंड, द ग्रैंड शटल. देखिए कैसा होता है, देखिए ये है कोरुलिस फोर्स. जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हम घुमाएंगे इसको, वो जोड़ गए दिखाई यहाँ पे. इट्स कोरुलिस फोर्स, इसी फोर्स को कहते हैं कोरुलिस फोर्स. तो और आगे चलते हैं इधर. और ये जो है, ये है स्कैप वेलोसिटी. फिलहाल तो ये बंद है, बट जैसे कहते हैं स्कैप वेलोसिटी. साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड. उसके बाद में इसका नाम है वर्चुअल हॉप, ग्रीन डॉट इल्यूजन. देखिए इसका नाम है ग्रीन डॉट इल्यूजन. इसका नाम है ट्रांसवर्स वेव. देखिए आप पास से जब देखेंगे आप, आपको समझ में आएगा कि वो अलग अलग वेव दिखा रही है. इसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव. तो और आगे चलते हैं. यह है इन्फिनिटी वेल, मतलब ये कभी वेल ख़त्म नहीं होती, ऐसी वेल है इन्फिनिटी वेल. ये बनाई गई है इन्फिनिटी वेल, दिस इज. और आगे आते हैं, इधर दिखाते हैं. यह है क्यूरी पॉइंट. फिलहाल ये शायद बंद है. इसे कहते हैं क्यूरी पॉइंट. इसका नाम है प्लाज्मा ग्लोब. आगे आइए दिखाएंगे. ये देखिए कैसा होता है, ये देखिए प्लाज्मा ग्लोब. इसे कहते हैं इल्यूजन विद द रिंग. जैसे ये रिंग देखिए आप, इल्यूजन विद द रिंग. इसे कहते हैं जेट्रो. जैसे कि आप अभी सामने दिख रहे हैं टर्बो स्टाफ इंजन TV2 एक्रोबैटिक अम्ब्रेला. देखिए अम्ब्रेला पूरी घूमेंगे ऐसे, एक्रोबैटिक अम्ब्रेला. आगे आए हैं यहाँ पे, ये है साइक्लोन. आगे दिखाई यहाँ पे साइक्लोन होगा. जैसे हमें प्रेस करेंगे बटन
साइक्लोन जनरेट होगा यहाँ पर। देखिए अब वेव्स निकल रही है नीचे से, वेव्स निकल रही है, ऊपर साइक्लोन बन रहा है अभी। है मोरी पैटर्न जिसे आप देख रहे हैं, इसकी तरफ देखते रहना पड़ता है। तीनों भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे कहते हैं मोरी पैटर्न। और इधर आगे देख रहे हैं आप इसे, यह है न्यूक्लियर पावर प्लांट। कुछ होता है स्टार्ट हुआ सब बंद है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट। और यह है हाइपरब्लॉइड, बड़े ही शार्प तरीके से वो पूरा रोटेट होता है। पानी पूरा नॉर्मल है, जैसे ही मैं बटन प्रेस करूंगा यहाँ पे भौरा आ जाएगा। देखिए आ रहा, आजा आजा आजा, आ रहा है, आ गया। और जो बीच में जो लेयर बन रही है इसे कहते हैं वाटर वोल्टेज। बीच में जो लेयर दिख रही है आपको, पूरी दिख रही है लेयर, बीच में से पूरी लेयर बनी है, इसे कहते हैं वाटर वोल्टेज। ये जो आप देख रहे हैं ये ऑप्टिक फाइबर, और ये जो है ड्रॉपिंग कॉइंस, ड्रॉपिंग कॉइंस। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है तारामंडल, पर ये लॉकडाउन से बंद है। इसे कहते हैं फ्रेस्नेल मिरर। मिरर में बहुत जगह दिख रही है। और ये जो सामने ही है पियानो हम बजाने वाले अभी। और अभी हम इस वक्त जा रहे हैं इन्वेंशन गैलरी की तरफ, जहाँ पर बहुत से पुराने इन्वेंशन मौजूद हैं, वे हम देखने वाले हैं। यह है इन्वेंशन टाइमलाइन, वे आप देख रहे हैं यहाँ पर। और यह है राइटिंग टूल्स, पहले इससे लिखा जाता था, टाइप किया जाता था। और ये विल, देख रहे हैं आप। और अभी हम इस वक्त है टाइम मशीन के पास। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी सबसे पहले ऐसी वॉच हुआ करती थी, उसके बाद फिर आई ऐसी वॉच, फिर उसके बाद आई ऐसी वॉच। देखिए आप ऐसी वॉच, फिर उसी के बाद आई ऐसी वॉच। फिर इसके बाद आई ऐसी वॉच, और अभी चल रही है ऐसी वॉच। और आगे आपको दिखाऊंगा मैं, देखिए आप स्टीम इंजन चालू हो गया है, ये चल रहा है, देखिए। स्टीम इंजन है। उसके बाद में हम आए हैं फोटोग्राफी की तरफ। तो बता दूं आपको, सबसे पहले ऐसा कैमरा हुआ करता था, ये इसे कहते हैं कैमरा ऑब्सक्यूरा। उसके बाद में फिर ऐसा कैमरा आया,
फिर उसके बाद ऐसा कैमरा आया, फिर ऐसा, और अभी ये DSLR चल रहा है। और अभी इसके बाद हम आए हैं फ्लाइंग मशीन की तरफ, और ये जो आप देख रहे हैं पावर फ्लाइट। रुडोल्फ डीजल, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। जितनी भी व्हीकल चल रही है डीजल व्हीकल, वो इन्हीं के वजह से चल रही है, क्योंकि इन्होंने इन्वेंशन करा था डीजल इंजन का। जैसे आप देख रहे हैं ये है डीजल इंजन, एक इलेक्ट्रिक लैंप, ये जो आप देख रहे हैं मर्क्यूरी लैंप, उसके बाद में उधर वो साइड वाला है स्टैंडर्ड लाइट लैंप, हाई प्रेशर सोडियम लैंप, लो प्रेशर सोडियम लैंप। शायद लाइट बंद हो गए यहाँ के, जो आप ये देख रहे हैं इसका नाम है स्पिनिंग जेनी। ये इससे मतलब धागे बनाए जाते थे, धागे उससे कपड़े बनते थे। उसी आप देख रहे हैं, दिखाइए उधर वीडियो, उसे कहते हैं स्पिनिंग जेनी। उससे कपड़े बनते थे पुराने जमाने में। एक डिश है, निप्को स्टिक, स्विंग मशीन। दिस इज एटम, दिस इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। टेलीस्कोप, ये है टेलीस्कोप। टेलीफोन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन का इन्वेंशन किया था। यहाँ पर बहुत से टाइप्स के ऑफ टेलीफोन रखे हैं, जैसे आप देख रहे हैं। दिस आर सम डाटा स्टोरेज डिवाइस। पहले ऐसा प्रोजेक्टर हुआ करता था, इसी ऊपर पिक्चर दिखाई जाती थी। देखिए आप देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और ये जो दिखाया गया है प्रोजेक्ट, ये है वाटर जर्नी फ्रॉम द सोर्स टू यू। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ, द ग्राउंड वाटर स्टोरी। और ये जो आप देख रही है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, आगे से दिखाइए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ए डिसलरेशन प्लांट, और ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन सिलेक्ट डिसीज एंड लैंग्वेज टू नो अबाउट इट, हिंदी करें हमने, और उसके बाद में हम जानते हैं यहाँ पर
पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वाटर एनाटॉमी ऑफ रिवर वाटर व्हील इसे कहते हैं इसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वाटर कंजर्वेशन इन एंशिएंट इंडिया पहले ऐसा वाटर कंजर्वेशन किया जाता था वाटर ऑन अर्थ अर्थ द ब्लू प्लैनेट